भाई एंट्री का मेन गेट कुछ इस प्रकार है, ये देख सको, वेलकम टू मिराज बिस्ट्रो। वाओ, तो भाई ये सारे ये 4 नंबर हो गया, 5 नंबर, 8 नंबर जितने भी हैं सारे ही सेपरेट रूम है। आप कुछ खाना चाहते हो, चाय पीना चाहते हो, कॉफी पीना चाहते हो, उनके रेट Hey guys, क्या हाल है सबके? हाँ बढ़िया। हाँ मैं तो बढ़िया हूँ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सॉरी। हेलो गाइज, स्वागत है आपके मेरी इस वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो में आपको हम क्या करने जा रहे हैं वो तो आपको थंबनेल और टाइटल देखकर पता लग गया होगा। उससे पहले थोड़ी बहुत काम की बातचीत कर लेते हैं। तो भाई वैसे तो हम जाओगे, फिलहाल तो मैं हूँ मीरपुर वाली रोड पे, सागर भाई अलंगरे घर पे, और उसके बाद हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा। क्या बोला? पता तो लग गया होगा थंबनेल से, टाइटल से भी। देखते हैं क्या होता है, अगर कसीन बनता है। और गाइज कुछ काम की बात करूँ तो यार पिछली वीडियो पे इतना आपने इतना प्यार दिखाया ना, कसम से भाई दिल से थैंक यू आपको भाई, आई लव यू यार। अभी मैं सागर भाई को लेन खड़ा, तो भाई इतना प्यार दिखाया ना आपने वीडियो पे, कसम से बहुत दिल खुश हुआ भाई। इस तरीके से प्यार दिखाओ यार, थोड़ा बहुत अपने भाई को भी सपोर्ट करो, बहुत दिन हो गया अब तो भाई सपोर्ट करो, ये करो वो करो। ये क्या है भाई, कसम से जो पिछले वाली वीडियो वायरल हुई ना मेरी, मजा आ गया भाई। चलो बहुत देर लिया ज्ञान, अब करते हैं आगे का काम शुरू। आगे का काम यू है, सागर भाई लंग रहे हैं, वे उनको लेकर पहले घर जाना, फिर घर से जाना उस डेस्टिनेशन पे जिसको आपने देख लिया। अरे तो भाई चलो तो जी सागर भाई जी हेयर, इन्हें पता नहीं मैं किस साइड खड़ा, और परे को चल दिए। अब देखियो सागर है, ए ए ए फोन मिलाऊंगे अब सागर है। सुनना लिया बात, देखो सागर भाई ने यहाँ से क्या लिया, तुझे पता है कहाँ कहाँ से पैसा लाता हूँ मैं। तो भाई जी अभी रेडी होके निकल पड़े हैं। तो गाइज फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मेरठ के अंदर मिराज बिस्ट्रो रेस्टोरेंट में। तो भाई यहां लगा दिया पार्किंग में, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मेरठ के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट मिराज बिस्ट्रो में। तो अभी मैं आपको बाहर से दिखाने के बाद इसका अंदर का इंटीरियर, मेन्यू मतलब क्या सिस्टम है, क्या डिश है यहाँ पे, मतलब क्यों है मेरठ का मशहूर रेस्टोरेंट क्यों है, तो सब दिखाऊंगा बने रहे व्लॉग में। भाई एंट्री का मेन गेट कुछ इस प्रकार है, ये देख सको, वेलकम टू मिराज बिस्ट्रो। वाओ वेलकम। तो भाई मिराज बिस्ट्रो रेस्टोरेंट की सजावट तो शुरुआत से गेट में एंटर होती है, आप देख सको। तो भाई अभी हम चलते जा रहे हैं अंदर ही, तो अंदर दिखाता हूँ आपको, मतलब कहाँ पे मेनू को बैठने का सिस्टम कहाँ है, जो रेस्टोरेंट टाइप में मेन है वो बैठने का कहाँ है। सामने हमारे सागर भाई हैं, चलो अंदर का दिखा भाई सिस्टम कैसा है अंदर का। जो नॉर्मल स्नैक्स वगैरह के लिए आपको आना हो, फास्ट फूड वगैरह स्नैक्स वगैरह, तो वो तो इधर है। अच्छा। और अगर आपको खाने के लिए पूरी फुल प्लेट वगैरह उस चीज़ के लिए नीचे जाना। अच्छा वो इंगे अच्छा, पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है। ये बेसमेंट में दिखे? हाँ। ओहो दिखाते हैं भाई नीचे का सिस्टम क्या है। बर्थडे बनाने के लिए छोटे छोटे कैबिन मिलते हैं, एक कैबिन ये रहा, एक कैबिन ऊपर है, नीचे आपके पानी वाटरफॉल चलता है, एक छोटा सा कैबिन ये है, बाकी हम छोटे छोटे कैबिन बना रखे हैं बर्थडे बनाने के लिए। सागर भाई बता रहे हैं कि मतलब अगर आपको कभी बड्डे मनाना हो तो ये देख रहे हो आप सामने ये केबिन है, इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा है लेकिन अच्छा है, बहुत सुंदरता है, इसकी सजावट कर देंगे, पूरा डेकोरेट कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे बड्डे मना सकते हो। अगर आपको शिकायत है कि हम मतलब ओपन में बड्डे नहीं मनाना चाह रहे, हम मतलब हमें सेपरेट रूम टाइप में चाहिए कुछ, तो ये वाला है अंदर। अब इसके अंदर चल के दिखाते हैं आपको। अच्छा ये है अंदर से, तो भाई अंदर से ऐसा है कुछ यो जिसको अंदर वाला सिस्टम चाहिए। तो भाई ये सारे ये 4 नंबर हो गया, 5 नंबर, 8 नंबर जितने भी हैं सारे ही सेपरेट रूम है।
भाई और कुछ दिखाओ यहाँ की फेमस। अच्छा ये भी बर्थडे के लिए है, आ जाओ। अब फिर ऊपर चलती है। हाँ। यहाँ पे बैठ के आप मतलब फोटो पॉइंट है, यहाँ पे बैठ के आप अपना फोटो शूट करा सकते हो। तो भाई अभी इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं अंदर से, अभी मैं दिखाता हूँ आपको अंदर का। आप कुछ खाना चाहते हो, चाय पीना चाहते हो, कॉफी पीना चाहते हो, उनके रेट जो है वो अभी दिखाता हूँ आपको। मेरठ का मिराज बिस्ट्रो जो कि मेरठ के सभी बड़े रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा तथा मशहूर है, जिसका सबसे मशहूर कारण यहाँ की डेकोरेशन तथा यहाँ का शांत माहौल है जो कि किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। मिराज बिस्ट्रो के अंदर कई तरह के सेल्फी पॉइंट तथा फोटो शूट पॉइंट भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप एक से एक सुंदर फोटो ले सकते हैं। अगर आपको अपना या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट या फिर किसी भी प्रकार का रिसेप्शन करना चाहते हैं तो मिराज बिस्ट्रो एक नंबर लोकेशन है। अगर हम यहाँ के मेनू की बात करें तो यहाँ पे आउट ऑफ डिलीशियस, जिसमें नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, बेकरी, बिरयानी, पिज्जा जैसे स्वादिष्ट व्यंजन प्रदान रहते हैं। और भाई तुम्हें एक जादू दिखाऊं, ये देखो, ये देखो सामने 10x का जूम है भाई। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का पूल, स्विमिंग पूल, जिसमें आप नहा भी सकते हो। नहा सके इसमें? ओ यार और भाई यहाँ पे जो है टेलीफोन बार, टेलीफोन कहाँ है? इमरजेंसी टेलीफोन है। तो टेलीफोन कहाँ है? तो पप्पू बना दिया और क्या? सीधे सोच रहा टेलीफोन फोन करना आ रहा है कि अपने मॉल में स्मॉल मार के देखो। अरे यार भाई सब तो बढ़िया चीज है वो, ये देखो। और भाई कुछ और नई चीजें दिखाता हूँ मैं आपको। क्या ये नई चीज क्या है भैया? हां देखिए ना जागर भाई, नुगेरे को कुछ नई चीज दिखा मार। ये कहाँ लगे घुसते हैं मुझे? चलो ये भी दिखाता हूँ आपको अंदर का, इसका क्या सिस्टम है। भाई ये टॉयलेट है या किसी का रूम है? ओए चानना ने चला, चानना चलिए। मैंने फ्लैश भी ऑन कर ले तब भी ना। ए, 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 ए। भाई ये है का वॉशरूम, टॉयलेट, यहाँ भी गाने बज रहे, कॉपीराइट आ जाएगा। तो भाई अभी मैं लाइव हूँ मिराज बिस्ट्रो के टॉयलेट से। मेरे पीछे चल रहे गाने इसलिए ज्यादा यहाँ पे व्लॉग नहीं कर रहा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा मेरे भाई। नहीं भाई टॉयलेट भी एक नंबर, पूरा रेस्टोरेंट हमने एक्सप्लोर कर दिया वो भी एक नंबर है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन यार, मजा आ गया देख के। तो भाई मैं आपको बताऊं मतलब क्यों आए थे हम आप लोगों को ये दिखाने आए थे कि मेरठ के अंदर भी कुछ ऐसी चीज है कि 5 स्टार जैसी फीलिंग वाली। शायद 5 स्टार तो है नहीं, 3 स्टार या 4 स्टार होगा, 4 स्टार तो होते ना। तो भाई आप आ सकते हो बर्थडे वर्थडे सेलिब्रेट करने, बहुत मस्त लोकेशन है, एक नंबर। अगर आपको यहाँ पे आने के बाद नु कह दो भाई बेकार है कैसी भी, तो भाई पैसे वापस, भाई सारे पैसे वापस है जो मैंने थाने दे रखे हुए पैसे सारे वापस कर दियो मुझे। अगर भाई 1 घंटा हो गया सागर भाई ऐसा करके रहे हैं भीतर, मैं सुन मैंने सागर है अच्छी हाँ। फोटो शॉट हो रहा है। तो गाइस आज हमने आपको दिखाया मेरठ का टॉप कह लो, सबसे मशहूर कह लो, सबसे मशहूर रेस्टोरेंट। तो गाइस बस ये था कुछ मशहूर रेस्टोरेंट जो मेरठ के अंदर, और बाकी चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको वीडियो के जरिए बताता रहूँगा। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे आया हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।